अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको कौन से 5 शेयर जिसमें आप फ्यूचर वे से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मैंने भी उसमें पैसा लगाया हुआ है, तो अब फाइनली उसके बारे में बात करेंगे और फिर एक और चीज बताऊंगा उसके बाद सेशन खत्म। एक और चीज कौन सी, किस तरह से आप पैसा कमा के पैसा लगा सकते हो अगर आपको घर से पैसा नहीं मिल रहा है तो। तो चलिए मैं आपको मेरे रेकमेंडेड 5 शेयर्स बताऊंगा जो आप बेस्ट टू बाय आप खरीद सकते हो, ठीक है। इतने सारे शेयर देखे, मेरी रिकमेंडेशन क्या है, लेकिन फिर से वो मेरी रिकमेंडेशन है आपको, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उन कंपनियों, जब आपको शेयर खरीदने का मन करे तो उन कंपनियों को रिसर्च कर लेना, जब आपको लगे कि यार रिसर्च में काफी अच्छा है। ये मेरे भी पोर्टफोलियो के हिस्सा है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, मैंने भी उन्हें खरीद रखा है, तो मैं मेरे शेयर्स बताने वाला हूं आपको और ये सेफ शेयर्स हैं, बट फिर भी आपसे कहूंगा कि आप अपनी रिसर्च कर लेना, ठीक है। फाइनली टॉप 5 शेयर्स बताता हूं, उसके बाद सेशन में 10 मिनट और लगेंगे, फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो ईमानदारी से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये देखिए, सबसे पहले FMCG सेक्टर पर चलते हैं, सबसे सेफ सेक्टर माना जाता है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, इंसान जब तक जिंदा है उसे खाने के लिए चीजें चाहिए, समझ में आता है, सिंपल है। आपको आटा चाहिए, चावल चाहिए, वो अलग बात है, कोई बड़ी ही कुछ हो गया, प्रलय आ गई, सब इंसान ही खत्म हो गए, तो FMCG सेक्टर क्या सभी सेक्टर खत्म हो जाएंगे, बट जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसे खाने पीने के लिए चीजें चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि इतना महंगा शेयर मत खरीदो, आओ आपको बढ़िया शेयर बताता हूँ, आपको फ्यूचरिस्टिक शेयर बताता हूँ, मारिको, 492 रुपए का शेयर है, पिछले 5 साल में 236 रुपए बढ़ा है और ये काफी अच्छा शेयर है। इसका पी रेशो 55 है, ROE इसका 35 है, हालांकि पी रेशो थोड़ा ज्यादा है लेकिन ROE ठीक है। तो ये कंपनी मैं आपको बता सकता हूँ, एक तो इकोनॉमिक है, शेयर प्राइस ज्यादा नहीं है, और FMCG सेक्टर क्योंकि एवरग्रीन सेक्टर है तो ये कंपनी आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती है। मारिको के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप एक्चुअली आपके घर पे होंगे पक्का, बहुत से प्रोडक्ट, एक आध तो आप उनका रखते होंगे, तो मारिको का शेयर है FMCG में आपको रेकमेंड करूँगा। ITC इसलिए रेकमेंड, मतलब उनके लिए रेकमेंडेड है जिनको डिविडेंड से मतलब होता है, अदरवाइज इसका शेयर प्राइस तो 150 से लेकर 250 में डोलता रहता है, इससे ऊपर कभी जाता नहीं है। तो अगर आपको डिविडेंड प्यारा है तो आप ITC में लगा दो, इसका पी रेशो काफी कम है, 19 का ही है और ROE 21 है। तो अगर आपको डिविडेंड में खेलना है, पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको वाकई में पैसा कमाना है, मारिको जैसे शेयर में लगाओ जहां पर सिर्फ 492 रुपए का ही शेयर है, पहला मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर, तो मैं आपको सेफ सेक्टर बता रहा हूँ, FMCG सेक्टर सेफ, वहां पैसा लगा सकते हो, पैसा डूबेगा नहीं। बैंकिंग सेक्टर मेरा फेवरेट शेयर है ICICI बैंक, इसका पी रेशो काफी कमी है, एक तरह से कमी कर लेंगे 23 का ही पी रेशो है जो ठीक है, ROE इसका ठीक है 13 का, और ये फ्यूचरिस्टिक वे से आप कोई भी कहेगा आपको ICICI बैंक में आप अपना थोड़े बहुत शेयर खरीद के रख सकते हो, काफी अच्छा है, 5 साल में 419 रुपए ऊपर चढ़ गया ये शेयर, ये मेरा रेकमेंडेड शेयर है। लेकिन आपको मैं ये आपके, इसके अलावा तीसरा है पावर सेक्टर, जहां पे आपको बोलूंगा सेक्टर थोड़ा रिस्की है लेकिन काफी अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस इसीलिए है क्योंकि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट है बेसिकली, क्योंकि पावर की जरूरत पड़ेगी, बिजली सबको चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, फ्यूल रिसोर्सेज जिससे आप बिजली पैदा करते हो, धीरे धीरे, जैसे कोल की बात करें तो ये जो धीरे धीरे वो जो वी कैन से कि इनके संसाधन है ना, जो चीज़ें वो धीरे धीरे कम होती जा रही, कोल भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जा रहे हैं लोग, बिजली तो अब सबको चाहिए और धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो उसकी पूर्ति कैसे करें, और अभी तो क्योंकि अगर आपको प्रोग्रेस करना है, डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको गांव-गांव तक बिजली पहुंचानी पड़ेगी जो अभी तक भी बहुत सारे गांव में पहुंची नहीं है, तो गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी बड़ा पैकेज उन्होंने इशू किया है, तो वो पावर सेक्टर को बूम करने के चांसेस होते हैं। तो पहले अगर होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा पैकेज इशू किया है पावर सेक्टर के लिए, किसके लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो पावर सेक्टर में बूम आ सकता है आने वाले सालों में, ठीक है। वो कैसे पता लगता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट कोई भी हो पावर तो सबको देनी पड़ेगी। इन दैट केस 2 शेयर्स हैं, एक तो है अडानी पावर जो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, 5 सालों में 118 रुपये बढ़ गया, यानी अब सोचो ज़रा मुश्किल से कोई 25 रुपये, कितने 30 रुपये का शेयर होगा, 30 रुपये का शेयर 148 रुपये का हो गया 5 सालों के लिए, PE 45 का है, ROE -2 है, लेकिन उसको आप मत देखो क्योंकि अब प्रोग्रेस होगी क्योंकि अब पैकेजेस वगैरह मिलने शुरू। अच्छा चलो, अडानी पावर भी नहीं खरीदना चाहते तो एक और बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है टाटा, जिसके टाटा का नाम जुड़ जाता है तो वो शेयर तो काफ़ी अच्छा है ही, टाटा पावर 125 रुपये का शेयर है, पिछले 5 सालों में 51 रुपये की ग्रोथ है, लेकिन इन दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, ठीक है, सॉरी पी तो कम होना चाहिए, 38 का पी है, ROE 5 का ही है, बट एटलीस्ट अडानी से ROE बेटर है, ठीक है, और पी भी बेटर है,
तो अगर मुझसे पूछो कि अडानी पावर और टाटा, ये मेरी समझ है, मेरी रिसर्च है, आई विल गो विथ टाटा पावर क्योंकि ये रिलायबल है, ठीक है, और काफी टाटा का नाम जुड़ गया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़। बट ऐसा नहीं कि अडानी पावर खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। अडानी का पावर का भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो अडानी के शेयर खरीद रहा है उसको तो फायदा ही फायदा हो रहा है अभी हाल फिलहाल तो। लेकिन अगर मैं फ्यूचर वे से देखूँ तो मुझे टाटा पे बहुत भरोसा है। तो दोनों शेयर्स अच्छे हैं, आप किसी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों शेयर लिखे। तो आप अडानी भी खरीद सकते हो, आप टाटा भी। ग्रोथ अगर देखनी है तो यहाँ पर पैसा काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं लोग, लेकिन अगर फ्यूचर देखना है तो टाटा, ठीक है। और फाइनली चौथा शेयर मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ पर ई व्हीकल के हिसाब से। अगर आप आने वाले समय में, क्योंकि ई व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा लोग खरीदने वाले हैं, आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, इन दैट केस मैं आपको दो शेयर्स यहाँ रेकमेंड करता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा मात्र 808 रुपये का शेयर है, पिछले 5 सालों में 136 का ही उसने ग्रोथ दिया है, बट आने वाले सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ये मेरे पोर्टफोलियो में है, ये सारे शेयर्स मैंने भी खरीद के रखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। पी रेशो 22 है, ठीक है, आरओआई भी ठीक है, लेकिन ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जब ई व्हीकल्स आएंगे तो इसका मेन रोल होगा। और इसके अलावा IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडिया नंबर वन पावर एक्सचेंज, IEX, ये बहुत ही, आप किसी को भी पूछोगे ना भाई ई व्हीकल के फंडल से बोलेगा आप IEX के शेयर जरूर खरीदे। 365 रुपये का शेयर है मात्र, 5 सालों में 209 रुपये की ग्रोथ दिखाई है। पी 52 का है, कम होना चाहिए थोड़ा, आरओआई 40 का है, काफ़ी अच्छा है। तो ये एक शेयर है जो फ्यूचर के लिए, किसी भी अगर आप जाओगे ना किसी के पास तो बोलेगा फ्यूचर के लिए IEX शेयर जरूर अपने पास रखना, ठीक है। सो ये IEX है, आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, महिंद्रा को भी रेकमेंड कर सकते हो। तो अगर आप ई व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये दो शेयर मैं आपको रेकमेंड करूँ, बट फिर से मैं कहता हूँ आप अपनी रिसर्च कर लेना, ये मेरे फेवरेट है। फाइनली IT सेक्टर पर, तो मैंने ऐसे सेक्टर ही पकड़े हैं जो कि सेफ हैं, जिसमें आप पैसा लगाओगे तो आप, ऐसा नहीं कि पैसा डूब जाएगा, सेफ है। फाइनली मेरी तरफ से विप्रो, IT सेक्टर में से विप्रो को पकड़ो। TCS बहुत महंगा है, इंफोसिस बहुत महंगा हो गया है, HCL भी इससे ज़्यादा ही प्राइस का। TCS का प्राइस 3000 रुपये के समथिंग है, इंफोसिस 1500 रुपये के समथिंग है, HCL 950 रुपये के समथिंग है। आई विल रिकमेंड यू विप्रो, 555 रुपये का शेयर है, 555 490 रुपये के करीब था थोड़े दिन पहले, 347 रुपये की ग्रोथ दी है उसने 5 सालों में। पी भी ठीक है, 29 का है, बाकियों से तो ठीक ही है, और ROE भी काफ़ी ठीक है। तो ये 5 शेयर्स हैं जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहता हूँ, अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हो, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन फिर से कह रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो में ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके ऐड कर लो, बेटर है कि आप अपनी रिसर्च कर लेना। मैंने तो अपनी रिसर्च कर ली है और मैं अपनी रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपकी समझ ज़रूरी है। देखो कभी भी कंपनी में पैसा लगाओ तो ये जान लो वो कंपनी करती क्या है, फंडामेंटली मैनेजमेंट में कौन है, स्ट्रॉन्ग कितनी है, प्रॉफिट हो रहे हैं क्या, पिछले 5 सालों में देख लो कितना प्रॉफिट है, ग्राफ मिल जाता है बड़ी कॉमनली गूगल पे, 5 मिनट के अंदर आप कंपनी की पूरी हिस्ट्री जान सकते हो अगर आप समझदार हो। धीरे धीरे आएगा, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है, और मैं थोड़ा ज़्यादा सीख चुका हूँ क्योंकि 2.5 साल हो गए हैं मैं काफ़ी इन्वेस्ट करके, देखो मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, प्रॉफिट भी देखा है, थोड़ा लॉस देखा, बट ज़्यादातर मैंने प्रॉफिट देखा, एंड आई रियली कीन टू नो मोर थिंग्स इन शेयर मार्केट, इसलिए आपसे ये शेयर कर रहा हूँ।